अंबाला पुलिस इन दिनों बदमाशों और चोरों पर नकेल कसने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में अंबाला पुलिस ने 3 बाइक लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 बाइक बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि अंबाला पुलिस की CI-1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने नो चोरी की वारदातों को भी कबूला है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहन जांच कर रही है। और हमारी CI-1 की टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इन्होंने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ना केवल मोटरसाइकिल की चोरियां बल्कि तार की चोरियों के अंदर संलिप्त था, और इनसे बड़ी मात्रा के अंदर मोटरसाइकिल्स हमने बरामद की हैं। इस गैंग के अंदर अभी तक हम 20 मोटरसाइकिल जो हैं चोरी के, हम चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर चुके हैं, और साथ ही इन्होंने 9 तार चोरी की वारदातें इन्होंने कबूली हैं। जो डिटेल्स हैं एक्यूज की वो इस प्रकार से हैं। इसमें पहला जो आरोपी है वो है सोमपाल उर्फ कुंपली, जो कि घसीटपुर सेक्टर 34 पड़ाव थाने के क्षेत्र का रहने वाला है, और हाल ही में ये खरड़ में रह रहा था, और इसको लगभग 1 हफ्ता पहले हमने खरड़ से ही इसको हमने अरेस्ट किया था। जो इसका दूसरा साथी है वो उसका नाम है अरुण, जो अरुण है ये भी सेक्टर 34 घसीटपुर का रहने वाला है, और वहाँ पे ये भी इसके साथ ही हाल में खरड़ मोहाली पंजाब के अंदर रह रहा था। और इनका एक और तीसरा साथी है जो कि जुबिनाइल इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है, ये गैंग है। अभी इसको हमने हमारे पास प्रोडक्शन वारंट पे हमने इसको ले रखा है, और अभी और इससे डिटेल के अंदर इससे पूछताछ अनुसंधान किया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अभी इसमें इसके जो और साथी थे ये कैसे कहाँ पे बेचता था, और जो इसके मेंस जो भी रेसिपेंट्स थे, जो रिसीवर्स थे, उनके बारे में भी हम कार्रवाई करेंगे, और हो सकता है कि इसके अंदर और भी अभी कुछ वारदातें खुले, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ी लेवल के ऊपर चोरी करते रहे, कॉन्टिन्यूसली करते रहे, तो अभी सारी की सारी डिटेल्स जो है हम अच्छी तरह से वेरीफाई कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इसके अंदर अभी और मामले भी खुल सकते हैं। फिलहाल इन आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद अब देखना होगा कि पुलिस के आरोपियों से पूछताछ के बाद और क्या कुछ खुलासे होते हैं, ताकि इन वारदातों में शामिल अन्य आरोपियों को भी सलाखों के पीछे धकेला जा सके। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।